हेलो नमस्ते मेरो सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई, आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई सिक्किमको पुरानो क्यापिटल यक्सुममा लिएर आएको छु। यो चाहिँ हामीले यक्सुम जाँदै गर्दा फर्स्टमै भेट्ने यो फामरुङ वाटरफल हो। ठुलो वाटरफल छ, एकदमै राम्रो छ। तर पहिला चाहिँ माथि जाने बाटो थियो, तर अहिले चाहिँ त्यो बाटो छैन। यो चाहिँ फामरुङ वाटरफल, त्यो बाटो छैन र अहिले तलबाट हामीले चाहिँ अहिले ब्रिजबाटै देखाएको। अहिले हाम्रो गेस्टहरूलाई चाहिँ हामीले तल बाटोबाटै देखाएको, त्यो चाहिँ हामीले यहाँ ब्रिजबाट नै देखाउँदै गरेको। पानीको आवाज सुन्नुहोस् कस्तो डरलाग्दो छ। हो, हामी चाहिँ यहाँ अब यक्सुम इन्टर भयौँ। यक्सुम जस्ट बजार स्टार्ट भयो। अब यक्सुम भनेको चाहिँ के हो भनेर भन्नुहुन्छ, त्यो त सबै हामी प्रायः सबैलाई थाहै छ है। तिनजना लामाहरू भेट भएको जग्गालाई यक्सुम भनेर भन्छ। त्यसपछि यहीँदेखि नै यक्सुम फर्स्ट क्यापिटल, सिक्किमको इस्टाब्लिस फर्स्ट क्यापिटल नै यहाँदेखि यक्सुमबाट स्टार्ट भएको है। 1642 तिनजना लामाहरू टिबेटबाट आउनुभएको अरे, त्यहाँबाट यहाँ भेट भएर चाहिँ त्यहाँबाट फर्स्ट फुम्चुक नामग्याल भन्ने चाहिँ फर्स्ट राजा है हाम्रो सिक्किमको। र यहाँ चाहिँ यस्तो छ, पुरानो क्यापिटल चाहिँ यो मानेहरू हेर्नुहोस् एकदमै राम्रो। यो चाहिँ बजार है यक्सुमको। त हामी चाहिँ आज फेरि यहाँ उकालो घुम्न थ्रोन जाँदै गरेको हामी चाहिँ तिनजना, आज टाइम पाउँदा हामी घुमिराखौँ न भनेर घुम्न जाँदै गरेको। र आज म तपाईँहरूलाई यक्सुममा कति के घुम्नुपर्ने जग्गाहरू छ कुराहरू, त्योहरू सबै म तपाईँहरूलाई बताउने छु। यहाँ चाहिँ हामी थ्रोन पुग्ने आँट्यौँ। अब यहाँदेखि चाहिँ कोरोनेसन थ्रोन है नर्बुगिङ भनेर लेखेको रहेछ। यहाँ हामी गेटभित्र इन्टर गऱ्यौँ। थ्रोन भनेको के हो तपाईँलाई थाहै होला होइन। थ्रोन भनेको हामी नेपालीमा चाहिँ राजगद्दी है, राजगद्दी या त राजाहरू बस्ने स्पेसल कुर्सीहरूलाई त थ्रोन भनिन्छ। यहाँ ओम मणि पेम्बेको लोगोहरू लेख्नु लेखेको रहेछ यहाँबाट। म त्यो पनि देखाउने छु तपाईँलाई, हाम्रो सिक्किमको राजा कहाँ बस्नुहुन्थ्यो, के हो त्यो कुर्सी, हामी त्यो पनि देखाउँछौँ। यो चाहिँ पुरानो गुम्बाहरू जस्तो रहेछ यो गुम्बाहरू। सिक्किमको चाहिँ राज्य स्टार्ट चाहिँ यहाँबाट भएको रहेछ 1642। मलाई पनि एक्ज्याक्ट याद थिएन, तर मैले दाजुहरूलाई, हाम्रो सन्तोष दाजु एकदमै यसको यसमा अगाडि हुनुहुन्छ, र हाम्रो दवा स्पेसल थ्याङ्क्स है हाम्रो दवा दाजुलाई, र उहाँले पनि सबै उहाँले लेखिदिनु भएको र उहाँले भन्नुभएको। यहाँ तिनजना लामाहरू आउनुभएको थियो, इस्टबाट, नर्थबाट र साउथबाट तिनजना लामाहरू भेटेर चाहिँ यहाँ यो चाहिँ राजा बस्ने थियो है, राजगद्दी भनौँ है थ्रोनमा। यो चाहिँ राजगद्दी चाहिँ यहाँ अब यो चाहिँ यहाँ चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो हेर्नुहोस्। मलाई अचम्म चाहिँ के लाग्यो भने दाहिने खुट्टाको छाप रहेछ यहाँ हेर्नुहोस् है, यो ढुङ्गामा राइट ह्यान्डका सरी लेफ्ट राइट पेयरका निशानी है यसमा। यी देखिए बहुत स्पेसल है। तो ये राजगद्दी थ्रोन जो है, राजगद्दी राजसिंहासन भी बोलते हैं ना वो है, जो सिक्किम का स्टार्टिंग राजा वो। ये तीनों लामा आया था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ से, और राजा फर्स्ट में बनाया था तो फुनचुक नामग्याल बोल के जो राजा सिक्किम का फर्स्ट राजा है उसी को बनाया था यहाँ से। ये राजगद्दी राजसिंहासन भी बोलते हैं ये है। तो पूरा ये ये जो राजसिंहासन है सिक्किमका राजसिंहासन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ये पोखरा बहुत अच्छा जगह है, आप लोग भी एक बार आइए घूम लीजिए। यक्सुम बहुत अच्छा जगह है, यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होता है 8 दिन 10 दिन जितना दिन का भी हो सकते आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से 4-5 दिन से ऊपर करते हैं ये पेड़, इतना बैक साइड से भी इतना पुराना लग रहा है। तो आप लोग
ट्रैक के बात कर रहा था, आप लोग ट्रैकिंग कर सकते हैं, कंचनजंगा का नीचे नीचे पहुंच सकते हैं। उन लोग का बेस कैंप तक जाता है, उन लोग यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो कंचनजंगा हम लोग दार्जिलिंग से दिखता है तो यहीं से जाते हैं, यहीं से ऊपर पैदल जाते हैं। तो बहुत शांत जगह है, बहुत अच्छा जगह है, ये भी घूमने का पॉइंट है। आइए आप लोग घूम के जाइए एक बार। हम लोग अभी मोनेस्ट्री जा रहे हैं, जो आयरन रिम्बुर्चे का बोलते हैं मोनेस्ट्री, ये मोनेस्ट्री जा रहे हैं हम लोग। ये अंदर का है, अंदर तो फोटो नहीं खींच सकते कि हम लोग यहीं बाहर से गेट से ही खींचते हैं। तो हम लोग भी रोक बुक कर लिया। अभी संतोष दाजू करने वाला है, तो संतोष दाजू कर रहा है, तो हम लोग भी करके हम लोग, मैं तो बाहर निकल चुका हूँ। ऐसा है, ये अंदर से खींचने में तो नहीं खींच पाऊंगा क्योंकि बाहर बाहर से ही दिखा रहा हूँ आप लोगों। ये हम लोग जब ऊपर चढ़ रहा था तो छोटा बुद्ध भगवान का स्टैचू देखा, तो यहाँ से अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं। ये ऊपर में आयरन रिम्बुर्चे का स्टैचू है, ये आयरन रिम्बुर्चे का तो आयरन रिम्बुर्चे ही बोलते हैं। तो आप लोग इधर आएंगे तो इम्पोर्टेंट मैं जगह दिखा रहा हूँ, आप लोग आइए एक दिन बैठिए या टू नाइट बैठ जाइए, आप लोग घूम के चला जाइए। यहाँ से जो कंचनजंगा का फेदी में ही है ये अभी हम लोग यहाँ से अंदर कार्थुक लेक जा रहे हैं। लेक है ये यक्सुम का, बहुत अच्छा जगह है, बहुत पीस जगह है। अभी तक हम लोग तीनों घूम रहे हैं तो आदमी नहीं मिला ही नहीं है। ये है कार्थुक लेक, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ये घूमने का पॉइंट है। दुप्ती मोनेस्ट्री, बहुत पुराना मोनेस्ट्री भी ऊपर में है, लेकिन हम लोग उधर नहीं जा पाएंगे क्योंकि आधा थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, तो इसीलिए हम लोग नहीं गया। तो ये कार्थुक लेक घूम लीजिए, अभी मोनेस्ट्री गया था, छोन घूम लीजिए, राजगद्दी जो सिक्किम का स्टार्ट हुआ था वो घूम लीजिए। अभी मैं आप लोग को हेलीपैड भी लेके जाऊँगा, हेलीपैड घूम लीजिए। तो एक दिन हामरुंग वाटरफॉल ब्लॉक सब करके एक दिन आप लोग आराम से टू नाइट बैठ सकते हैं। तो इधर में आइए, इतना अच्छा है। अभी चारों तरह जाएंगे ना, टूरिस्ट ही टूरिस्ट मिलेगा, हल्ला भीड़ भाड़, लेकिन इधर में इतना शांत जगह है, बहुत शांत जगह। आप लोग एक बार आ जाइए, घूम के चला जाइए, बहुत अच्छा है। हम लोग को इतना अच्छा लगता है तो आप लोग को तो जरूर अच्छा लगना चाहिए। ये है हेलीपैड, यहाँ इतना शांत जगह है, इतना शांत है, आप लोग दिन भर भी बैठ सकते हैं इधर में, ये बहुत अच्छा जगह है। आज हम लोग को टाइम मिला था इसीलिए हम लोग क्यों बैठेंगे, तो एक बार सभी को दिखा दी बोल के हम लोग आ गया तीनों। तो बहुत अच्छा है, यहीं से ट्रैकिंग स्टार्ट होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं दूसरा और वीडियो अच्छा अच्छा लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच अवस्था, आजको लागि यति नै। म तपाईँहरूको सामु अझै राम्रो राम्रो भिडियोहरू लिएर आउनेछु, तपाईँले हेरेर बस्दिनु, म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।